कहते हैं मौत कभी यूं ना आए कि दफनाने को जमी कम पड़ जाए। कुछ ऐसा ही पूरे विश्व में कोरोना महामारी के कारण देखना पड़ा। कोरोना एक वायरस है जो कि चीन के वुहान शहर से पूरे विश्व में तेजी से फैलता चला गया और इसका एकमात्र उपचार था दूरी बनाना, घर में रहना, ताकि संक्रमण को रोका जा सके। पूरे विश्व में लॉकडाउन की स्थिति आन पड़ी। हमारे प्रधानमंत्री ने 22 मार्च जनता कर्फ्यू के बाद 10 मार्च से लॉकडाउन अलग अलग चरणों में निरंतर जारी रखा। जहां कोरोना से बचने का प्रयास चल रहा था, वहीं सारे काम ठप होने की वजह से सारे मजदूर घर जाने पर मजबूर हो गए। पैसे ना होने से नाकाम होने के कारण पैदल ही अपने घर की ओर निकल पड़े। इन सब परिस्थितियों को देखकर बरौनी बेगूसराय बिहार के निवासी संजय आनंद ने अपने मित्रों से बात कर प्रवासी मजदूरों एवं स्थानीय भिक्षुकों, झुग्गी में रहने वाले लोग एवं दिव्यांगों को बना बनाया भोजन देने की शुरुआत की। इसी क्रम में मित्रों से राय विचार कर माँ भारती की सेवा के लिए भारती फाउंडेशन का निर्माण हुआ। कालांतर में जन सहयोग प्राप्त होने पर कल्याण भोजन के अलावा कल्याण राशन किट भी जरूरतमंदों को दिया गया। भारती फाउंडेशन 26 मार्च से सुबह शाम 200 लोगों का खाना अपने वॉलेंटियर के मदद से बरौनी के अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचाने का काम करती रही। मुख्य रूप से प्रवासी मजदूरों को खाना मुहैया करवाया जाता है और सैनिटाइज भी किया जाता है, साथ ही मास्क और साबुन का भी वितरण कर रहे हैं। अभी तक लगभग 30,000 पैकेट बना खाना, 50 घरों में राशन किट और समय समय पर सारे क्षेत्र में सैनिटाइजर का छिड़काव करता आ रहा है। रमजान के चल रहे इस पावन अवसर पर 21 घरों में इफ्तार किट बांटते हुए भारती फाउंडेशन के लीडर संजय आनंद, और जब तक जरूरत पड़ेगी भारती फाउंडेशन एक ढाल बनकर हर परिस्थिति में खड़ी रहेगी। भारती फाउंडेशन के द्वारा लगातार खाना यहाँ गरीबों को दिया जा रहा है। भारती फाउंडेशन गरीबों में खाना बांट रही है, गरीब लोग को सुबह शाम खाना दे रही है, कपड़े बांट रहे हैं, सैनिटाइज करवा रहे हैं, राशन बांट रहे हैं। भारती फाउंडेशन हम चाहते हैं और आगे बढ़े, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गरीब गुरबा को खाना खिलाना, हर रोज उनका मीनू बदल बदल के खाना चल रहा है। भारती फाउंडेशन को हमने देखा कि यह लॉकडाउन जो हुई है उसमें बहुत बढ़िया समर्थन दिए हैं, और जितना भी भूखा नंगा था उसको इन्होंने बहुत ही मान सम्मान के साथ भोजन कराया है। भारतीय फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रेलवे के जितने भूखे उठे हैं गरीब लोग, आज जो भी है रोड पर उनको बुला बुला के खाना पीना दे रहे हैं। भारतीय फाउंडेशन द्वारा बहुत अच्छा काम यहाँ गौरी चौक पर किया जा रहा है। आस पास के दुकानदारों में सैनिटाइजेशन किया गया है। भारतीय फाउंडेशन बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो गरीब लोग जो हैं आज हमको खाना वाना खिला रहे हैं। खाड़ी हुए स्टेशन पे वो जो बाहर का जो काम करने वाले थे उनको सपोर्ट किया गया, खाना खिलाया गया। संजय मिश्रा जो काम किए, हमको लगता है कि बेगूसराय जिला में ऐसा काम, ऐसी व्यवस्था सुदृढ़ और सुचारू रूप से जब से सरकार लॉकडाउन शुरू किए हैं तब से इनका सेवा कंटिन्यू शुरू है दोनों टाइम।
रात में भी और सवेरे में भी, और यहाँ तक कि आकर के लोग ले नहीं जाए, ले जाकर के अपना समय दे करके और पहुँचा देते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं अपने वॉलंटियर्स को, सहयोगी मित्रों को, दिनेश के साथ किचन वॉलंटियर्स को, उन संस्थाओं एवं व्यक्तियों को जो कोविड-19 में दूसरों को मदद पहुंचा रहे हैं, और अंत में हमारे कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, सफाई कर्मी एवं पुलिस बल जो बिना कुछ सोचे स्वयं को खतरे में डालकर लोगों को मदद पहुँचा रहे हैं। धन्यवाद। मैं उन तमाम लोगों को फिर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।